Good afternoon. Compassion, yeah, compassion. शेड्यूल ले रही है तभी बताया नहीं मैंने आवाज नहीं शेड्यूल ले रही है तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया वो तो मैंने अभी ऐसे आपको एक ट्रेलर दिया था आई विल टेक द चैप्टर शेड्यूल एरिया फिर भी आपके लिए बता देता हूँ मैं ट्राइबल एरिया मीन्स द एरियाज इनहेबिटेड बाई ट्राइबल्स इन फोर स्टेट्स असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अब ऐसा तो नहीं है कि यहीं ट्राइबल्स हैं बाहर भी होंगे ट्राइबल्स जैसे कि राजस्थान में भी हैं ट्राइबल्स आंध्रा में भी हैं तो दोज एरियाज विच आर इनहेबिटेड बाई ट्राइबल पीपल और दे आर वेरी बैकवर्ड दोज एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरियाज नाउ हाउ टू मैनेज द शेड्यूल्ड एरिया इज मैंशन इन शेड्यूल 5 एंड वॉट आर द प्रोविजन्स फॉर ट्राइबल एरियाज इज मैंशन इन शेड्यूल 6 ठीक है ना ये याद रखना ट्राइबल एरियाज चाहे राजस्थान में हैं या लेट्स से इन मणिपुर दे विल नॉट बी कॉल्ड एज ट्राइबल एरिया दैट विल बी कॉल्ड एज शेड्यूल्ड एरिया इफ दे आर डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड एरिया ऐसा नहीं कि आपको कहीं ट्राइबल दिख गया आप बोलोगे ये ट्राइबल एरिया है दे आर डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट ओके एंड आई विल टेक द होल चैप्टर ऑन दिस डोंट वरी टुडे आई विल बी टेकिंग अ वेरी एक्सट्रीमली टॉपिक बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट प्रेजेंट टुडे इन मच 2:30 का टाइम दिया हुआ था ओके बट टुमारो द क्लास विल बी एट रियली एट 2:30 आई थॉट इट्स एट 2 सो आई अच्छा 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 सो दे आर यू एक्टर एनी वेज इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर फ्री फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स लेट्स फ्यू पीपल बिकॉज आई विल टेक अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक टुडे आई विल टॉक अबाउट द बिल्स मनी बिल फाइनेंशियल बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी डाउट क्लियर यू आर फ्री हाँ बोलो अभी आप कुछ पूछ रहे थे ना दैट इज़ क्लियर और नॉट पीओके की बात समझ में नहीं आ रही ना आपको हाईएस्ट पीक वाली बात ना आप जब तक मैं चेक नहीं करूंगा मैं बोल कैसे सकता हूँ कि दैट इज इन पीओके और नॉट K2 आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो ना K2 के बारे में आई कैन नॉट से बेटर यू कैन आस्क टू ज्योग्राफी सर ज्योग्राफी शुरू हो गई आपकी और आई चेक इन गूगल उसी के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि K2 पीओके में है या इट्स इन इंडिया और इट्स इन बोथ देखो बेटर ये है कि आप फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो सरकार की आई विल प्रेफर दैट बट देन इससे इससे आप उसको कंफ्यूज मत करो वो एक अलग इशू है इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है हमारे को इसमें कोई टेंशन नहीं है समझ रहे मेरी बात को हाँ पार्लियामेंट अगर क्या बोल रहे हो तुम दोबारा बोलो यार देखो अगर वो नेशन इंटरेस्ट में है हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 249 क्या था 249 बोलो राज्यसभा कैन इनिशिएट अ लॉ विच इज अदरवाइज इन द स्टेट लिस्ट फॉर दैट पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन दैट अगर वो नेशन इंटरेस्ट में तभी राज्यसभा उसको इनिशिएट करेगा वरना नहीं पंकज जी कौन सा फंड है ये फंड जानते हो ना हाँ तिजोरी आर्टिकल
Which fund is this? Very good. Article? This fund? Anyways, I'll talk about these funds. देखो, अच्छा, आप एक बात बताओ, is this fund the constitutional fund? Is public accounts of India a constitutional fund? Is contingency fund constitutional fund? फंड समझते हो? फंड मतलब तिजोरी, आपके पास जो जमा पूंजी है वो फंड होती है. Now as the size indicates, there is one fund which is called as consolidated fund of India. Consolidated fund of India means it is the largest collection of money with India. It is the largest treasury of India. ये देश के पास सबसे बड़ा फंड है. Consolidated fund of India is the largest fund of India. Consolidated fund of India is the largest fund of India, and there is upper limit of this fund or not, Ravish? There is no upper limit. अरे अच्छा है जितना पैसा आए, बुराई थोड़ी ना इसके अंदर. There is no upper limit of this fund. Is there an upper limit of this fund, public accounts of India? No. Here also there is no upper limit. Contingency fund, is there upper limit? कितनी है? 500 करोड़, बहुत बढ़िया. 500 crores is the upper limit of contingency fund of India. ठीक है सर? What are the sources of money in this fund? Sources of money in this fund is taxes put by government. आगे income generated by government. सरकार income करती कि नहीं करती है? कहाँ पे करती है? बोलो. Services करती है. अरे railways है. They to put tax or not? Every, in fact, income tax, railways, every PSU, PSUs are working for money. They generate profit. LIC, LIC फायदा करेगा नहीं करेगा? That will be the income of government. Taxes आपको पता ही है, taxes कैसे लगते हैं? Apart from taxes put by government and income generated by government, what is the third source? Loan हम लेके आते हैं, जबरदस्त. In fact, loans are bigger than these two. ठीक है सर? Loans very important. So these are the three major area of money coming into fund of India. आपस में क्यों बातें कर रहे हो? खुजर-बुजर चलती रहती है. And always these two people only keep talking. वो he is explaining to her and she is explaining to her him. Always a separate class going on. अरे गले पे कितना जोर पड़ता है, यू डू यू इवन अंडरस्टैंड? फील कर सकते हो कभी? एंड व्हेन यू कीप मर्मरिंग देयर, द काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इट क्रिएट्स इज वेरी ऑफुल, बिलीव मी. ये तीन सोर्स हैं सर मनी के इसके अंदर. बोलो पंकज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मनी हियर? रीपेमेंट ऑफ लोन्स. रीपेमेंट तो हम करेंगे ना उनको,
या वो करेंगे. मनी अदर देन दीज थ्री सोर्स विच कम्स विद द गवर्नमेंट इज कमिंग इन टू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रोविडेंट फंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि पोस्टल सेविंग ऑफ पीपल, है ना. उसके अलावा डिस इन्वेस्टमेंट भी करती है गवर्नमेंट. सो डिस इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट. डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स द गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर इन मार्केट इन अ पीएसयू. जैसे गवर्नमेंट हैड लेट्स से 52% शेयर्स इन स्टेट बैंक, इट मे सेल 1% शेयर इन द मार्केट. दैट शेयर विल ब्रिंग मनी, दैट विल बी काइंड ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. सो दिस मनी विच कम्स हेयर इज कॉल्ड एज मनी कमिंग इन टू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. अभी मैं लिखाऊंगा आपको, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं अभी मैं. राइट नाउ सी, दीज टू आर द रेगुलर फंड्स. ये हमेशा इनमें पैसा आता रहेगा. ओके, एंड देर इज नो अपर लिमिट ऑल्सो. बट देन समटाइम, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, यू हैव वॉलेट और नॉट सर, पहले आप रखते हो ना अपने पास में. इन दैट वॉलेट यू पुट ऑल द मनी एट वन प्लेस. सारे पैसे वहीं होते हैं, कहीं और भी होते हैं? बैंक में नहीं, जेब में ही होते हैं. दो आई डोंट कीप द वैलेट, बट देन आई स्टिल सी पीपल डूइंग दिस. दे हैव मेजर चंक ऑफ मनी इन द मेन पॉकेट. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव स्मॉलर पॉकेट, उसमें भी वो 100-200 रुपए छोड़ के रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम इट इज रिक्वायर्ड, तो वहां से निकाल के यूज कर लें. सो दिस इज अ काइंड ऑफ दैट स्मॉल सेविंग विच इज पुट इन दो स्मॉलर पॉकेट्स ऑफ द वैलेट, ताकि इफ टुमारो अर्जेंसी कम्स एंड यू कैनॉट मीट दैट अर्जेंसी विद दिस मनी, that this will help you at least in some way. Demonetization ho gaya na, 100 rupees ki value kitni hai malum pada? This is contingency fund. In times of emergency, even this smaller money, 500 crore kuch bhi nahi hai, but this can be a big relief when we are facing an emergency. Okay, to contingency fund tab kaam aata hai. When contingency ka matlab kya hota hai? Contingency means any unforeseen situation. कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने अभी तक देखा ना हो, इट कैन बी वॉर, इट कैन बी अ नेचुरल कैलामिटी, इट कैन बी एनी मैन मेड कैलामिटी, कुछ भी हो सकता है. सो दैट विल बी मेट बाय दिस मनी. ओके, लेट्स से फ्लड केम, वी रिक्वायर्ड 500 करोड़, सारा निकाल दिया हमने, फ्लड रिलीफ गिवन टू फ्लड विक्टिम्स, देन इट इज नॉट टू बी केप्ट एम्प्टी. लेटर ऑन वी विल पुट मनी in this fund again, and that money will come from consolidated fund of India. We are not supposed to keep this empty. Use it and after that fill it again. And from where will you fill it again? Consolidated fund of India. And similarly, states also have their own funds. States ka bhi apna ek fund hai. Consolidated fund of states, public accounts of the states also. Theek hai na? Dusri baat, who is the manager of consolidated fund of India? कौन है पंकज जी, कौन है आप बता दो? आरबीआई गवर्नर. When money is put in this account or money is drawn from this account, it is done only with the permission of parliament. Bina parliament ke puche paisa dal bhi nahi sakte aap iske andar. Okay, ye see, take this clarity now because this will help you in the next discussion which I take on money bill. Uske baad public accounts of India, how much money is to be put, how much is to be drawn, when is to be drawn, who decides that? Executive matlab COM, Council of Ministers will decide when and how the money will be put, when and how money will be drawn. Okay, they are not supposed to ask for this from Parliament or anybody else. Contingency Fund of India, it is at the disposal of President of India. Okay, but then apart from these, there are smaller other funds also, jinko bolte relief fund. Okay, jaise ki there is something called as Prime Minister's Relief Fund. Chief Minister's Relief Fund. Okay, what is the upper limit of PM Relief Fund, CM Relief Fund, sir? Not fixed. And from where the money will come in these kind of funds? It's a public contribution. PM Relief Fund, CM Relief Fund, the money will come from public. Aap jo daan doge na, jiske daan bolte hain wo log, that is called as PM Relief Fund or CM Relief Fund. Okay,
write 2-3 lines, because as I told you, every line is exam oriented. हाँ वो बता रहा हूँ मैं भी आपको, अभी जब लिखाऊंगा तो उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा. राइट डाउन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है और आपको पता ना चले. ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, और समझ के लिखना, टेक दिस लाइक अ रिविजन. अंडर आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI has been provided. Article 266 says that we should have a consolidated fund of India. Okay. This article also provides for state ke andar bhi hota hai. Bhai state bhi to kharcha karega nahi karega. This article provides for consolidated fund of India for each state also. Har state ka apna ek कंसोलिडेटेड फंड होता है. कंसोलिडेटेड मतलब बिग, कंसोलिडेटेड कंपोजिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट. इट इज द फंड इनटू विच कंसोलिडेटेड फंड, वो फंड है, इट इज द फंड इनटू विच ऑल द टैक्सेस कलेक्टेड, इट इज द फंड इनटू विच ऑल द टैक्सेस कलेक्टेड. ऑफकोर्स द टैक्सेस ऑफ द यूनियन, है ना, यूनियन जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा इसमें आएगा. टैक्सेस कलेक्टेड कॉमा लोन्स रेज्ड. लोन्स लो आप किससे, IMF, वर्ल्ड बैंक, अदर कंट्रीज, लोन्स रेज्ड जापान से ले आओ, लोन्स रेज्ड एंड इनकम रिसीव्ड, एंड इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज डिपॉजिटेड. It is the largest fund and the regular fund of, it is the largest and regular. Regular matlab money will keep coming, keep coming, keep going. Never it will be empty or there is no upper limit. It's a regular fund of government of India placed at the disposal of Pankaj Parliament. क्या मतलब हुआ placed at the disposal of Parliament? जल्दी बताओ. Yes, permission of Parliament is required to draw money, और डालने के लिए फिर permission चाहिए. Okay, इसका guardian कौन है? Parliament. Okay, right. It is placed at the disposal of Parliament. That is, no money can be deposited into, comma, withdrawn from or appropriated out. एक ही चीज है, withdraw or appropriation. Withdrawn from or appropriated, I am using this word for a reason. इसको भी लिख लो. Withdrawn or appropriated out of consolidated fund of India. Out of consolidated fund of India without parliament's sanction. Next, dusra fund hai public accounts of India. Public accounts of India, dekho detail of this fund is given where? It is given in the constitution. Theek hai na, public accounts of India article kaun sa Ravish? Very good. Public accounts of India. Article 266 also provides for public accounts of India. Article 266 also provides for public accounts of India as well as public accounts of each state. As well as public accounts of each state. और देखो पैसा यहां से आएगा. All the money collected by government of India other than tax collected, कोई भी source हो अगर इनके अलावा, any other source other than these three. Okay,
all the money other than tax collected, comma, loan raised, tax collected, loan raised, and income received, and income received by government of India. इनके अलावा जो भी सोर्स है वो कहां पे आएगा? पब्लिक अकाउंट्स में. ओके, ऑल द मनी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर देन टैक्स कलेक्टेड लोन रेज्ड एंड इनकम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिपॉजिटेड इनटू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. एग्जांपल भी लिख लो. फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, प्रोविडेंट फंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, पेंशन, पेंशन के नाम से काटते हैं ना पैसा आपके सैलरी से, वो पेंशन फंड एटसेट्रा. थर्ड इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 लैंग्वेज देखो. आर्टिकल 267 authorizes the parliament to provide by law an emergency fund called contingency fund of India. Ab batao, haan ji aap hi batao, why it is called as statutory fund not constitutional fund? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ. अरे नोट्स बाद में पूरे कर लेना, आंसर तो दो. व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी फंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल फंड? ये जो लाइन आपने लिखी ना इसी यहां से, द डिटेल ऑफ दीज फंड्स इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन. मींस टू क्रिएट दिस फंड पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग. ये फंड किसने बना के दिए आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ने. These funds were created by constitution. But about this fund, constitution told to parliament, ye aap bana lena agar mood ho to. You do it if you want. And parliament did. To ye bana kisse? It was made by the law of parliament. It was not made by constitution. Therefore, it is a statutory fund. And these two are constitutional fund. Understood? It has upper limit of 500 crores. It has upper limit of 500 crores used by president. Ye question aata hai exam mein, whose disposal it is used by president to meet MWET, to meet unforeseen expenditure, jiska pata na ho, to meet unforeseen expenditure of government of India. And is placed at disposal of president. अब देखो कितनी बढ़िया लाइन है. After the expenditure is met, खर्चा हो जाने के बाद, after the expenditure is met, out of this fund. इस फंड से खर्चा कर लेने के बाद, आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज मेट आउट ऑफ दिस फंड, द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या करेंगे अब? एक्सपेंडिचर, यस, इट इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट. द एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा ना पहले आपको, हाउ मच मनी वॉज स्पेंट वेयर आउट ऑफ द फंड. इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट for its approval. For its approval, if the parliament approves the expenditure, cannot we take the approval first and then expend the money? Huh? Yes, it's an emergency. There is no time to take approval, hai na? Aur ye bhi ho sakta that the parliament may not be at session also. Hai ki nahi hai? If parliament approves the expenditure, then the equal amount of money
इफ पार्लियामेंट अप्रूव्स एक्सपेंडिचर देन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जितना निकाला था इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. स्टेट्स ऑल्सो हैव कंटिजेंसी फंड, यस यस, वहां पे भी हो सकता है. हाँ, इसको भी लिख लो आप लोग. आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 ऑल्सो एम्पावर्स, आर्टिकल 267 ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर. क्रिएट कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट देयर, टू क्रिएट देयर ओन कंटिजेंसी फंड. अपना खुद का वो एक कंटिजेंसी फंड बना सकते हैं. एंड इट विल बी प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नर. ओके, चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर. यस, इफ इट विल नॉट बी अप्रूव्ड, इट विल अमाउंट टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट. इट विल अमाउंट टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल. क्योंकि इफ यू पुट टेक मनी फ्रॉम हेयर टू देयर, इट विल बी अ मनी बिल. और मनी बिल अगर डिफीट हुआ तो सरकार गई, समझे? देखो कहीं लिखा नहीं है ऐसा, but then this is to be inferred. He is asking that if, for example, ye online walon ke liye I am repeating this, okay? He is asking that if money taken from contingency fund, it is again to be filled from consolidated fund, but the filling will be done only with the approval of parliament. What if parliament does not approve it? Now in that case government should go. Reason, when the money is money is taken from consolidated fund, that bill is called as money bill. Consolidated fund से पैसा निकालने की procedure को बोलते हैं money bill. और अगर money bill pass नहीं हुआ, if the money bill did not pass, then government will go. इसीलिए अब कहीं लिखा नहीं है, but then this is the way we have to infer and apply. Very good question sir. Clear or not? सरकार चली जाएगी. Okay, लिखे. चार्ज एक्सपेंडिचर, हाँ बोलो. चार्ज एक्सपेंडिचर क्या चीज है? आई थॉट यू आर गिविंग आंसर, बोलो. हाँ बताओ सर, बोलो जल्दी बोलो. हाँ ये तो आपने सही बोला कि सैलरी वैलरी वहां से आती है, मगर मतलब क्या है चार्ज एक्सपेंडिचर का? बहुत ही बढ़िया, एक्सलेंट, एक्सेप्शनली गुड. I am saying exceptionally good not because he has given an out of box answer. Answer to ye book mein bhi diya hua hai. But I can see the dedication he is putting in these studies. Believe me, improvement is visible in many people and that improvement is exponential. Aise. Very good sir. See, charge expenditure sir, wo ek kharcha hota hai for which we need not take the approval of parliament. Aur ye kharcha karenge kahan se? Dekho, for every money which we have to draw from consolidated fund, whose permission is required? Parliament. But in few cases we do not ask parliament before we do the expenditure, and we keep on drawing money from this fund only for specific purposes. Those purposes are nothing but charged expenditure. Ye kharcha karne ke liye, to do these expenditures, we are not supposed to take proper approval of parliament. Or I can say, we have to just intimate parliament, voting is not done on these kind of expenditure. Agar ye kharcha aapko karna hai, kahan se aayega paisa? Consolidated fund. But then, here voting in the parliament will not take place. Otherwise, any other money, even if 50 paise, coming out of this fund, which is not to meet this fund, will be voted in the parliament. वो खर्चा जो कि charge expenditure नहीं है, parliament के vote के बाद ही pass होता है. Okay, the expenditure
which is not a charge expenditure is drawn from this fund only after voting of the parliament. Magar charge expenditure is not voted in the parliament, never. Reason kya hai? What is the reason? Hanji bolo. Why it is permanent expenditure? Yehi main aapse puchna cha raha hu. Why voting does? Who did not understand this? पहले तो ये बता दो जल्दी से. Clear है? नहीं समझ में आया? देखो. सुने ध्यान से सुने. For example आपको बनानी है मेट्रो. मेट्रो बनानी है. Expenditure लगेगा इसके अंदर. Let's say 10,000 crore rupees. Be attentive now. 10,000 crore rupees खर्चा करोगे, पैसा कहाँ से आएगा? Money will come from the, now we are talking about consolidated fund of India, okay? यहाँ से पैसा आएगा. Now to take 10,000 crore rupees, first you have to take the approval of parliament. You will put a bill in parliament, sir, we are taking 10,000 rupees, do you approve it or not? वो बोलेंगे approval दे दिया, voting करके बोलेंगे इस बात को. If the voting does not go in the favour of expenditure, money will not be drawn. ठीक है? ये खर्चा आपने किया, you did it after voting took place in parliament or not? Parliament could have rejected this expenditure also by not passing the bill. ये तो मतलब वोट से किया आपने. But for example, you have to give the salary to President of India, you have to give salary to CAG, you have to give salary to Supreme Court, High Court. Judge, you have to give salary to chairman of the houses. Ab in kharchon ko hum bolte hain, these expenditures are called as charged expenditure. Expenditure ka matlab kya hota hai? Kharcha. Okay, now this money will kahan se aayega ye paisa? It will also come from consolidated fund of India. But to take this money, we will not go for a vote in Parliament. Means Parliament cannot disapprove this expenditure. Unki salary to dengi na hum log. And the basic purpose, we do not vote on these issues. Sir, batao aap. Kya aapko lagta hai ki in pe hum voting kyun nahi karate honge iske upar? Ek to ye essential kharche hai, bahut badhiya. Because unless we give them salary, wo kaam karenge kya? Nahi karenge. हाँ बोलो. हाँ वो भी है, मगर मैं आई एम आस्किंग फॉर द स्पिरिट के क्यों नहीं वोट करते. फर्स्ट रीजन बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, इफ वी वोट देयर सैलरी एंड वी डू नॉट, आई मीन वी डू नॉट अप्रूव इट, व्हाट इफ वी डू नॉट अप्रूव देयर सैलरी, काम रुक जाएगा? नहीं रुक जाएगा. उसके बाद हाँ बोलो सर. वो तो है ही है, मैं ये पूछ रहा हूं कि डिग्निफाइड पोजीशन तो है, ये भी है ना ऑटोनमस. अगर पार्लियामेंट विल हैव अ काइंड ऑफ सॉर्ड इन देयर हैंड दैट यू बिहेव द वे वी वांट और वी विल वोट अगेंस्ट योर सैलरी, तो ये काम कर पाएंगे भला? नो, दे वर्क फ्रीली, दे वर्क ऑटोनमसली बिकॉज दे नो पार्लियामेंट इन नो केस कैन वोट डाउन देयर सैलरी. पार्लियामेंट के पास ये ताकत ही नहीं है कि उनकी सैलरी को पास ना करे, अप्रूव ना करे, बिकॉज दीज सैलरीज आर नॉट वोटेड इन द पार्लियामेंट. समझ रहे हो मेरी बात को? टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ सम ऑफिसेस, वी डू नॉट पुट टू वोट दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स विच आर कॉल्ड एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स. वी परमानेंटली चार्ज देम. ओके, और एक बात और, लेट मी टेल यू, बिकॉज दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू मी बाई अ स्टूडेंट लॉन्ग टाइम अगो. And because of the classes which I didn't get in between, I could not answer that. Though I answered that to this guy. Let me tell you this also. इन्होंने मुझसे ये बात पूछी that sir, can the pardoning power of president be reviewed by Supreme Court? Pardoning power याद आ रहा है कुछ? Supreme Court pardoning power. पंकज कौन सा आर्टिकल था? 72. कोई टेंशन नहीं है. 72 आर्टिकल था. Then if suppose आप ऐसे देखो, Supreme Court, I gave death sentence to him. He went to कहाँ पर? President. President pardoned him. उन्होंने इसको माफ कर दिया. Now this guy was asking me
can this action of president be reviewed by judiciary or not? हाँ जी बताओ अमीर जी, आंसर यस होगा नो होगा? रिव्यू कर सकता है? कहाँ लिखा है ये मुझे बताओ पहले. हाँ बताओ सर, आप बताओ. नहीं नहीं लिखा कहाँ पर है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे. अपीलेंट जुरिसडिक्शन जो होती है वो प्रेसिडेंट की उसकी नहीं होती है. अपीलेंट मींस कमिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट. आई एम, देखो क्वेश्चन समझो, माय क्वेश्चन इज सिंपल. मैं बोल रहा हूँ जब आप आंसर कर रहे हो यस, दैट प्रेसिडेंट की, व्हेन प्रेसिडेंट पार्डन समबडी, कैन दिस बी चैलेंज्ड अगेन इन कोर्ट और कैन जुडिशियरी रिव्यू दिस एक्शन? क्यों नो क्यों बोल रहे हो आप, मतलब बताओ. यू मे बी राइट, बोलो. इट इज नॉट क्वेश्चनेबल. कहाँ लिखा है, कहीं लिखा हुआ है? आंसर तो सही दिया आपने, नो डाउट. बट आई एम जस्ट आस्किंग, इनवोकिंग अ काइंड ऑफ थिंकिंग. दिमाग अपना भी चलना चाहिए ना. कहीं ये लिखा नहीं है, नो वेयर इट इज रिटन दैट द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर कैन बी रिव्यूड बाई जुडिशरी और नॉट, बट वी हैव टू गिव एन आंसर. अब अगर यूपीएससी ने पूछ लिया तो आंसर तो देना ही पड़ेगा ना. नाउ इन दैट केस आंसर इज येस, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू दिस एक्शन ऑल्सो, क्योंकि दिस इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन. प्रेजिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है कि नहीं है? एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट दिस पावर दैट इन कैन रिव्यू द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. पहला रीजन ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है. दूसरा रीजन इज दिस, इफ वी टेक अवे दिस पावर ऑफ रिव्यूअल, आर वी नॉट गोइंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वॉज गिवन इन मिनर्वा मिल केस? मिनर्वा मिल केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बोलो. हाँ जी, मिनर्वा मिल केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. मतलब इन नो केस वी कैन टेक अवे दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वेदर इट इज पार्डनिंग पावर और वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव पावर और वेदर इट इज इम्पोजिंग प्रेजिडेंट रूल और वेदर इट इज नलिफाइंग अ इलेक्शन इन द स्टेट. कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस. सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एनीथिंग एनी टाइम फॉर एनी इशू. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकता. तो ये दूसरा रीजन बनता है इस आंसर को देने का. थर्ड रीजन इज दिस, इफ वी डू नॉट अलाउ रिव्यूअल ऑफ द एक्शन ऑफ प्रेजिडेंट बाई जुडिशरी, कैन नॉट प्रेजिडेंट बिकम अथॉरिटेरियन? अरे फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी किसका कसब, सुप्रीम कोर्ट हैंग्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेथ सेंटेंस टू कसब, ही वेंट टू प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट ने छोड़ दिया उसको. देन याकूब मेनन, प्रेजिडेंट रिलीज हिम. तो ऐसे तो सारे छूटते जाएंगे, नहीं छूटते जाएंगे. एडवाइस तो होगा, मगर एडवाइस आर्बिट्री भी तो हो सकती है. देन हु विल चेक? और सीओएम के एडवाइस पे है तो ये तो और भी खतरनाक है. दो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट रिटन दैट द प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर इज डिस्क्रिशनरी पावर और नॉट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट प्रेसिडेंशियल पावर इज डिस्क्रिशनरी. बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो जो मर्जी करेगा. ही इज एडवाइज बाई सीओएम इन दिस एरिया. सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आप जजमेंट दिया था दैट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स टू पार्डन इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. मगर उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू हिज एक्शन. इस तरह से तो प्रेसिडेंट कैन बिकम करप्ट एंड ही विल लीव ऑल द पीपल. वो तो पूरा देश चला देगा अपने आप. आई विल गेट इन टू नेक्सस विद ऑल द क्रिमिनल्स क्विकली, एज सून एज यू गेट डेथ सेंटेंस यू कम टू मी फॉर मर्सी पिटिशन. आई विल कीप वर्किंग फॉर मर्सी पिटिशन ओनली. एवरी डेथ सेंटेंस कन्वर्टेड टू लाइफ सेंटेंस आई विल चार्ज 10 crore rupees. ये तो हो जाएगा ना. सो रिव्यू ऑफ जुडिशरी इज वेरी वाइटल टू सेव द सिस्टम एंड ऑल्सो रिव्यू ऑफ जुडिशरी, रिव्यू बाय जुडिशरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेट बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. समझे ना? तो आंसर इज येस, ही कैन रिव्यू. ओके, हम्म,
लाइफ सेंटेंस डेथ से लाइफ में कर दिया हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट से जाकर वहाँ गया ना सुप्रीम कोर्ट सेड यू आर टू बी हैंग्ड नाउ इफ ही गोज टू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सेज नो नो यू यू विल लिव तो इज इट नॉट अ काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द जस्टिस कॉन्ट्राडिक्शन भी है और ऑन नो ग्राउंड्स या तो कोई आपके पास सॉलिड रीजन है यस ही कैन नॉट टेक एक्शन ऑन हिज ओन ये बात तो सच है बट देन सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज हिज डिस्क्रिशनरी पावर मगर उसका मतलब ये भी नहीं है दैट ही विल अलोन टेक द डिसीजन ही विल टेक डिसीजन ओनली इन द कंसल्टेशन ऑफ सीयूएम राइट डाउन चार्ज एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स चार्ज एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स खर्चे ये वो खर्चे हैं चार्ज एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स दैट आर मेट आउट ऑफ जो लिए जाते हैं दैट आर मेट आउट ऑफ पंकज मेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दीज एक्सपेंडिचर्स हैव बीन क्रिएटेड दीज एक्सपेंडिचर्स हैव बीन क्रिएटेड टू हेल्प ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस ऑटोनमस मीन्स विच आर फ्री ऑफ समबडीज कंट्रोल ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस to maintain their autonomous character. Following are the charge expenditures. ये list भी है, few examples. Following are the charge expenditure. First, salaries and allowances of president. President, Vice President लिखाऊं कि नहीं Chairman, very good. President, Chairman, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha. Second, debt charges. Debt charges मतलब debt means the loan which the government has taken. Okay, debt charges. भाई जो whatever loan government has taken is to be repaid back or not? You took let's say loan of focus. You let's say you took a loan of 10,000 rupees from World Bank. Now it is to be paid back or not to World Bank? What if this money is not voted by the parliament or this money is not passed by the parliament? Then will you not pay the money to the World Bank? And the government will say, sir, this money which we wanted to pay you, parliament is not approving it. Are, what we have to do with parliament? So this kind of money, which is kind of loan repayment done by us, is not voted in the parliament, right? Okay. Debt charges, debt matlab loan, udhar. See, whenever I speak in Hindi, no, that Hindi is only the translation of what I had said earlier in English. Okay. Because some people online, they feel that what is said in Hindi is something very different and new. It is only a translation of English. Because many people came to me who were saying that we could not understand English all through. So I tried to make it bilingual. Okay. So you are losing nothing if I speak Hindi in between. That is only translation of what I said in English. Hindi rupantaran hai angrezi ka. Likho. Debt charges for which government of India is liable. Third, salaries and expenses and pension of judges. CAG means Comptroller and Auditor General, etc. Even now, CVC chief. CVC पता ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन मेंबर्स देयर सैलरी हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट हैज डिक्लेयर्ड द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन
Parliament has declared the salary allowances and pension of Election Commission, Central Information Commission, Central Vigilance Commission members as also to be charged expenditure. They are also charged expenditure, means whenever we will do this expenditure, we will not get it voted in Parliament. Do states have charged expenditures? Bilkul. Why, we have to maintain autonomy in the state also or not? Advocate General bhi to hai state ke andar. States have their own charged expenditures. States have their own charged expenditure. States have their own charged expenditures. Relief funds. Relief. Last type of funds. Relief. Relief funds. Relief funds are the funds to which general public, aam aadmi, general public makes contribution. Voluntarily, apne aap, voluntarily. They are not regular funds. Why I am saying that they are not regular funds? Main kyon bol raha hoon ki ye regular funds nahi hai? Bola. Voluntary basis pe bhi hai, right? It is a voluntary basis. So how does it matter? Sahi bol raha hoon. What is the? Ah, bolo. Yes, it is on the will of the people whether and how much they contribute in the relief fund. So, ha sir? How much money will come in this fund is not known to us. We cannot even predict. Relief fund, how much money will come? Because people may give 500 rupees, people may give 1000 rupees. Bas. Abhi toh ye do note chal rahe hai na. In relief fund, you will give only these two notes. Tomorrow you may give notes of 2000 rupees also and you may contribute more. Okay. And when there is a calamity, you have a tendency to put more money also. So what money or how much money will come and with what frequency it may come, we do not know. Whereas there in other funds, we know what or how much money will come. Thoda idea rehta hai. We have an idea, okay? And it keeps on coming. It keeps on coming. But then here, it may not come, it may come. It may come, it may not come, okay? It is not a regular fund. And used to rehabilitate and assist the people. Used to rehabilitate and assist the people who have been affected by natural calamities. Though aisa koi restriction nahi hai, you can use it for man-made calamities also, yes. Example, Prime Minister Relief Fund, Prime Minister's Relief Fund, Chief Minister's Relief Fund, will CAG audit these funds? There is nothing which CAG cannot audit. Theek hai na? CAG, bhai dekho, you are PM. You got, let's say, 20,000 crore rupees in the relief fund. Aur aapne party kar li. You parted with that money. Is it not bad? You are playing with the faith of people. And CAG is there to restore the faith of people regarding financial working of the government. Understood or not? CAG, ek baat yaad rakhna, CAG can audit anybody which is either substantially funded by government money or whose working will have a repercussion on people. I may be running a system in which I am taking no money from government. But then if my company is doing something
which can have repercussion on people, then CAG can audit my also account also. Yaad rakhna aap log. Okay, let's say a distribution company, power distribution company. I am running a power distribution company. He is generating power and I am selling it to people. Now I am not taking money from government, but if I sell the money, sell the power at a very high rate, am I not misusing my position? In this case, CAG can audit my work also, which was done in Delhi. Power distribution companies in Delhi were audited by CAG, in spite of the fact that they were not funded by government. So CAG can audit anybody which is funded by government, or even if which is not funded by government, but having a repercussion on people, having an effect on people. ठीक है, लिखें. It can be audited by CAG. It can be, मतलब को you write down, it is audited by CAG. Now see, I am giving you a chart. First you draw the chart, you write the factual thing, then I'll explain you the things also. And this chart will solve your many problems, believe me. Because mugging up these things otherwise is very difficult. Nahin, usme 500 hi hoga, sir. Nee, means the situation requires. In that case, they will ask for a blank check from the government. Vote on credit, that is called as. I'll take that in the next class. Vote on credit. Vote on credit means they will ask from the parliament that, sir, we are keeping on spending money from consolidated fund. Later on, when the war will be over, we'll ask for your approval. Abhi, we have no time. So if you have a situation where you require more money, which is not even met by contingency fund. Let's say you require 20,000 crore rupees, we are at war with China. Then the contingency fund will of no use, because the money which we require is more than the money available in contingency fund. Us case mein, government, even without approval of parliament, can keep spending money from consolidated fund. But then that is called as vote on credit. They will ask for an open permission from parliament. Sir, we are at war, can we keep taking money from consolidated fund? Parliament will say yes. But once war will be over, they will give the whole account to parliament that we took out this much money and here is how we spent. And then parliament will approve or disapprove it also. That is called as a vote on credit. I'll take that later on when I take budget. Budget I will take possibly in the next class, not tomorrow. Uske baad. Wo bhi charged hai. That is also not voted. Yeah, there are number of other expenditures also, no, which is to be done. For example, public welfare also is to be done. Parks vagara maintain ho rahe and other things are also there. Hey. That can be from public account. Okay. Detail better you can ask from economics, sir. That precisely in which area it is spent. It is kept by government, finance ministry. Yes, they will manage it. Yes. And they have their own accounts also in various banks. For example, government railway ministry, they may have some account in State Bank of India, or they may have different banks also.
सर बात ना करें यहाँ ध्यान दें और बनाते जाओ इसको, बातें घर जाके करना। If it is not visible, you can ask me. Is it visible till this level? नहीं दिख रहा है। इज दिस विजिबल लेजिस्लेटिव पावर? डेडलॉक। I'll dictate, you can write down. First is meaning, then introduced in recommendation of president, majority required to pass it, legislative power of Lok Sabha, Rajya Sabha, deadlock resolved through, means joint sitting or what, and the last is presidential assent, aayegi ke nahi aayegi. मनी बिल सर आर्टिकल कौन सा है? सर ये वाला, हाँ, डेडलॉक रिजॉल्व थ्रू मीन्स ज्वाइंट सीटिंग से होगा या कैसे होगा, एंड द लास्ट इज प्रेजिडेंशियल एसेंट. ओके, मीन्स प्रेजिडेंशियल एसेंट विल बी गिवन कंपल्सरली और नॉट. ठीक है, दिस चार्ट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी यू नो स्कैटर्ड, रट्टा लगाना मुश्किल हो जाता थोड़ा सा. फाइनेंशियल बिल आर्टिकल, हाँ जी, क्लॉज थ्री भी है ना. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन मनी बिल? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम, ये डिटेल में बताऊंगा मैं आपको भी, बट देन राइट डाउन दिस सो दैट यू कैन एटलीस्ट.
सी बेसिकली वी कैन डिवाइड ऑल द बिल्स. बिल्स मतलब समझते बिल क्या चीज होती है सर? बिल इज अ प्रपोजल इन द प्रोस्पेक्टिव लॉ, ओके, इन द पार्लियामेंट. नाउ बेसिकली बिल्स आर चार टाइप. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, मीन्स वी फॉर्म लॉ इन बेसिकली फोर एरियाज, ओके. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. नाउ यू नो वेरी वेल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल व्हाट इज इट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या चीज है? इट इज अ बिल और अ प्रपोजल टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज मनी बिल? हाँ जी बोलो, मनी बिल क्या चीज है? आइडिया दे दो बस. हाँ बोलो. और फाइनेंशियल बिल क्या चीज है? अभी इनका मीनिंग मैं आपको अलग से समझा दूंगा, अभी आप सिर्फ इसका लगाओ रट्टा. इन दिस क्लास ओनली, टुडे ओनली आई विल एक्सप्लेन यू, ओके. ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन, हाँ जी आप बताओ, लोकसभा और राज्यसभा. Ordinary bill can be introduced in any house, Lok Sabha or Rajya Sabha. There is no requirement that it is to be put in Lok Sabha or only Rajya Sabha. ठीक है? Money bill कहाँ पे आता है सर? Lok Sabha or Rajya Sabha? It is introduced only in Lok Sabha, not never in Rajya Sabha. Financial bill in Lok Sabha or Rajya Sabha or both? Financial bill is brought only in Lok Sabha. It is never brought in Rajya Sabha. Money bill is brought only in Lok Sabha, never in Rajya Sabha. ठीक है सर? Constitutional amendment bill. It can be brought in Lok Sabha or it can also be brought in Rajya Sabha. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है? इस प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है? नहीं. वो रिकमेंडेशन मींस प्रेसिडेंट इज टेलिंग दैट प्लीज पुट द बिल इन पार्लियामेंट. नो. हेयर ऑर्डिनरी बिल में, इन ऑर्डिनरी बिल रिकमेंडेशन और परमिशन, रिकमेंडेशन मींस परमिशन, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. बट कौन सा? कल ही मैंने बताया था. ओह बहुत बढ़िया सर. रिमेंबर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, दे आर ऑल्सो ऑर्डिनरी बिल. आर्टिकल 2 क्या है सर? Adding a new state in India, and Article 3 is changing the shape of existing states or their name, है ना? Only Article 2 and Article 3 requires recommendation of President. Otherwise, no ordinary bill requires permission of President. ऐसे सीधा डाल देते हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है ना? In case of money bill, हाँ जी, चाहिए? Recommendation of President is required. In case of financial bill. चाहिए सर? प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड. अब एक बात याद रखो, ओनली दीज टू एरियाज, सिर्फ ये दो एरिया आर सेम इन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल. इन अदर एरियाज फाइनेंशियल बिल विल बी लाइक ऑर्डिनरी बिल. सिर्फ दो डिफरेंस है, कॉमनैलिटी है. देर आर ओनली टू कॉमन थिंग्स बिटवीन फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल. फर्स्ट, दे कैन बी ब्रॉट ओनली इन लोकसभा. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, दे कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा. सेकेंडली, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड इन बोथ द केसेस. इन अदर थिंग्स फाइनेंशियल बिल इज लाइक ऑर्डिनरी बिल, ओके. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड.
हाँ जी आप बताओ, मेजॉरिटी किस मेजॉरिटी से पास होता है ऑर्डिनरी बिल? और आर्टिकल 3 सिंपल सर, सिंपल, कीप इट सिंपल, ओके सिंपल, मनी बिल इज एंड सिंपल मेजॉरिटी इवन फॉर आर्टिकल 2 एंड 3, वो भी सिंपल से होते हैं, कल लिखाया था मैंने, मनी बिल सिंपल और स्पेशल सर? सिंपल मेजॉरिटी, मनी है सिंप्लीफाइड लाइफ और नॉट सिंप्लीफाइड, इट इज सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। सिंपल मेजॉरिटी समझते हो? सिंपल मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वॉट एवर मेंबर्स आर वोटिंग मोर देन 50% इज द सिंपल मेजॉरिटी। ओके, फाइनेंशियल बिल सिंपल और स्पेशल? कॉन्स्टिट्यूशन बिल सर स्पेशल, हेयर द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इज स्पेशल, एंड वॉट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड? हाँ जी बोलो, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए मगर कौन सी? हाँ, 2/3 हेमंत जूम कर देना इसको थोड़ा सा। स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड मीन्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ऑल्सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अलॉन्ग विद दैट। दिस इज अ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बाकी तीनों में, इन ऑल द 3 रिमेनिंग, वी हैव टू हैव इट थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। हाँ जी आप बताओ, इन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल लोकसभा मोर पावरफुल और राज्यसभा मोर पावरफुल? बोथ, मीन्स ऑर्डिनरी बिल इज टू बी पास इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। यू कैन नॉट इग्नोर राज्यसभा इन पासिंग द ऑर्डिनरी बिल। ओके, हाँ, लोकसभा इज मोर पावरफुल बिकॉज राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट द मनी बिल। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इन पासिंग द मनी बिल। सर आप बताओ, फाइनेंशियल बिल, इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल हु इज मोर पावरफुल, लोकसभा राज्यसभा? हाँ जी बोलो, लोकसभा राज्यसभा? देखो अभी मैंने क्या बोला, यस लिसन लिसन, डू नॉट राइट, लिसन, ओनली इन दोज टू केसेस मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल आर सेम, इन अदर एरियाज फाइनेंशियल बिल इज लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। तो इफ इन ऑर्डिनरी बिल लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वली पावरफुल टू पास और रिजेक्ट द बिल, देन इन फाइनेंशियल बिल ऑल्सो द सेम सिचुएशन विल अप्लाई। लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वली पावरफुल इन पासिंग द फाइनेंशियल बिल और रिजेक्टिंग द फाइनेंशियल बिल। इफ राज्यसभा रिजेक्ट्स द फाइनेंशियल बिल, इट विल हैव नो मीनिंग। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ बोलो, यस, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बट वंस इट रीचेज राज्यसभा इट कन्वर्ट्स टू ऑर्डिनरी बिल। अभी इसको मैं बताऊंगा बाद में। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन केस हु इज मोर पावरफुल? बोथ आर इक्वली पावरफुल, मीन्स इवन राज्यसभा कैन गेट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिफीटेड। इफ इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम हेयर, यू पीपल कैन कम हेयर एंड सी। अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल में, इन ऑर्डिनरी बिल इफ सपोज लोकसभा एंड राज्यसभा दे आर नॉट एग्रींग, सपोज लोकसभा पासिस द बिल, राज्यसभा इज नॉट रेडी टू पास द बिल और दे हैव सम काइंड ऑफ इश्यू विद देम बिफोर दे पास द बिल, सो दैट इश्यू इज रिजॉल्व्ड इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वेयर नाउ द बिल इज अगेन पुट बिफोर बोथ द हाउसेज एंड इट इज पास थ्रू अ विच मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। मीन्स इन दिस केस, अभी ये मैं दोबारा लूंगा, अगेन टेक दिस थिंग्स इंडिविजुअली, बट देन चार्ट तो बनाना है ना। इन दिस केस जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज इज कॉल्ड टू ब्रेक द डेडलॉक। इन मनी बिल इफ सपोज राज्यसभा इज नॉट एग्रींग टू पास द बिल, जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे? नो, बिकॉज राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट इट। इन दिस केस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ joint session of the houses
to break the deadlock between the two houses or to break the disagreement between the two houses. और इसमें इन फाइनेंशियल बिल इफ सपोज लोकसभा राज्यसभा आर नॉट एग्रीइंग टू पास द बिल जॉइंट सिटिंग विल बी कॉल्ड बिकॉज एज आई टोल्ड यू फाइनेंशियल बिल इज लाइक ऑर्डिनरी बिल ओनली एक्सेप्ट फॉर दीज टू प्रोविजंस जॉइंट सेशन यहां बुलाया जाएगा इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल समझे आप इसको इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेट्स से पास्ड बाय लोकसभा नॉट being passed by Rajya Sabha or they have some hitch in passing it in the same form, what will be the result? Then it will not be called for a joint sitting, it will be declared invalid. Wo bill khatam ho jayega. If there is a deadlock, if there is a disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, then no joint sitting will be called to remove the disagreement. Then the bill will end completely. Bill will come to an end. Even if you are not getting it 100%, write the diagram, bana lo, because I'll explain these things again. But try to understand as much as possible. Haan. Suno, tum pehle yahan dhyan do. In ordinary bill, is president bound to give assent? No. He can use absolute veto or he can use pocket veto or he can use suspensive veto. Means presidential assent. President is not bound to give his approval. In money bill, is president bound? Yes. Which article? एज पर कन्वेंशन मनी बिल को वो अप्रूव कर ही देता है एज पर कन्वेंशन प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट एज पर कन्वेंशन फाइनेंशियल बिल इज ही बाउंड नो बिकॉज ऑर्डिनरी वाला लगेगा ना सेम फॉर नॉट बाउंड मीन्स President can use veto or ordinary bill ke case mein bhi he can use veto. 368 mein is president bound? Yes. Bolo sir. Nahin, pehli baar mein hai ki nahin hai? नहीं आप ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ही सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ही हैज नो सस्पेंसिव वीटो पावर इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सस्पेंसिव वीटो भी वो नहीं लगा सकता ही इज बाउंड टू गिव हिज अप्रूवल पॉकेट वीटो देखो अगर वो लगा सकता है देन ही कैन बी इम्पीच्ड आल्सो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग नहीं ही इज बाउंड उसे देना ही पड़ेगा मैं भी तो यही बोल रहा हूं बाउंड है बाउंड ही लिखा हुआ है बाउंड टू गिव एसेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही कैन नॉट यूज वीटो ही इज बाउंड टू गिव हिज approval but he can use veto in case of ordinary bill and financial bill is it visible from that side are you able to draw everyone theek hai I'll take the explanation now koi tension to nahi hai abhi sir write down ordinary bill iska matlab likh lo aap log ordinary bill Ordinary bill, a bill, bill, bill. Sir, what is the meaning of bill?
Bill is a legislative proposal, means it will get converted to a law. Bill act ban jayega when president will sign. Okay. Bill is a prospective law. Ordinary bill, a bill other than, please keep reading also, bill other than money bill, financial bill. Bill other than money bill, financial bill, or constitutional amendment bill, or constitutional amendment bill is called as ordinary bill, can be introduced in either house of the parliament, does not require, the bill does not require the recommendation of president, does not require recommendation of president. Recommendation means permission. Recommendation of president for introduction into parliament. Parliament mein rakhne ke liye president ki permission ki zarurat nahi hai. For introduction into parliament, except a bill. Kaun sa ordinary bill hai where we require permission of president? Yes, except under article 2, except a bill under article 2 and article 3. Except a bill under article 2 and article 3. Ordinary bill is passed by simple majority, bahut zaruri hai, simple, underline it, simple majority in both the houses of parliament. Is it even in the case of article 3 majority required? Yes, simple majority in both the houses of parliament, and both houses enjoy equal legislative powers over the passage of bill. In case of a deadlock, I will explain you the meaning of deadlock. In case of a deadlock over the passage of ordinary bill, in case of a deadlock over passage of an ordinary bill between the two houses, it can be resolved through a joint sitting. Write the meaning of deadlock. Deadlock ka matlab likh lijiye, deadlock over passage a bill. What it means that we have got a deadlock. What is the meaning of deadlock? Write down. Deadlock over a passage of bill. Deadlock means a disagreement. Okay. Deadlock is presumed between two houses when there is a final disagreement. Between the two houses under the following three categories. If we have three situations, then it is a deadlock. What are the situations? These are the situations. Disagreement between the two houses as indicated in the following three conditions. First, deadlock kab hota hai? First, hanji kab ho sakta hai, aap bata sakte hain kuch? If suppose Lok Sabha passed a bill, Rajya Sabha rejected the bill. Lok Sabha ne to pass kar diya, Rajya Sabha ne reject kar diya. Will it be deadlock? Yes, it will be a deadlock. Both have to agree also. But then if one house is not agreeing, then a joint sitting will be called. Now in joint sitting, you either again reject it finally or you approve it finally. Who will call the joint sitting of the houses? President, not the speaker. But then who will preside over the joint sitting? Speaker. Ye anti-federal feature hai na ek tarah se. Bhai house to dono hai. But then you give primacy
only to Lok Sabha Speaker. He will preside over ka matlab samajhte ho aap log? Means he will run the affair of the house that day. Write down. When the deadlock will be, these are the three conditions. First, when one house passes the bill, one house, kaun sa house? Koi bhi, any house. When one house passes the bill and other house rejects it. Deadlock ho gaya. Second, when it can be deadlock again? Bahut badhiya. When second house, means one house passed it, ek house ne to pass kar diya, it will move to second house. But the second house has not taken any action on the bill for 6 months. 6 mahine ho gaye, abhi tak unhone haath bhi nahi lagaya us bill ko. Then it is also deadlock. Other house can be Lok Sabha or it can be Rajya Sabha. Okay, second condition, when second house, second condition of deadlock, when second house does not take any action, on the bill for 6 months, 6 mahine tak, after having received the bill, please keep reading also, after having received the bill from the originating house, third condition when deadlock will take place. Haan ji, kaun si ho sakti third condition? Yes, dekho. Yes. Deadlock bata raha hu, I'm explaining you deadlock. For example, the bill was passed in Lok Sabha, but it was rejected in Rajya Sabha. Or it can be vice versa also, opposite also. One bill passed the bill, other house did not pass the bill. It is deadlock. It can also be deadlock if one house passed the bill, bill went to other house, the other house did not take any action on the bill for 6 months. To bhi deadlock ho jayega. What is the third condition when we say it is a deadlock is this. When one house passed a bill, the other house gave some recommendation. Yaar ye bill to theek hai, but then you please change it this way. Unhone recommendation de di. Other house gave some changes in the bill, but then these changes which are suggested by the other house is not acceptable to the first house, then also it will be a deadlock. In all these three conditions, president can call for a joint sitting of the houses. Have we ever seen a case of joint sitting? Kitni bar? Three times. One was dowry prohibition bill, other was pota, aur tisra banking bill. Bahut badhiya. Teen bar bahut hai. Okay. Acha, in case a constitutional amendment bill passed by Lok Sabha Pankaj, but Rajya Sabha is not ready to pass it, will we call for joint sitting? No. Money bill ke case mein? No joint sitting. Joint sitting can only be called in to break the deadlock between ordinary bill as well as in financial bill. Baki in money bill and constitutional amendment bill, no joint sitting. Okay. Likhe. Third condition, when second house suggests amendment, third condition is this, when second house suggests amendments or changes which are not acceptable to the originating house, means where the bill was initially placed, which are not acceptable to the originating house, president can call for a joint sitting under which article? Under article 109, in such cases, president can convene, president bula sakta hai, a joint sitting of both the houses to resolve the deadlock. It is resolved by
सिंपल मेजॉरिटी ओके नाउ राइट डाउन मनी बिल मनी बिल क्या चीज है मनी बिल व्हाट इज मनी बिल सर एक बात बताओ सिंस यू हैव एन आइडिया आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल अच्छा वेरी गुड एंड फाइनेंशियल बिल To some extent, this is right also, but then I wanted an answer which gives a clarity to everyone. Anji Gambhir ji, batao, kya difference hai dono mein? Dekho, money bill relates to money, financial bill relates to. आर्टिकल डू नॉट राइट जस्ट लिसन आर्टिकल ये मैं लिखाऊंगा आपको सिर्फ सुनो आप सब इसको आर्टिकल 110 1 टू एफ कितने एरियाज हैं सिक्स एरियाज हैं इफ अ लॉ इज टू बी मेड अ लॉ इज टू बी मेड विच ओनली एंड ओनली कंसर्न्स विद एनी ऑफ दिस सिक्स प्रोविजंस देन दैट बिल विल बी कॉल्ड एज मनी बिल एनी प्रोस्पेक्टिव लॉ which deals with any of these six specified areas, like if you have to create a new tax, or you have to remove an old tax, or you have to change an existing tax, then this proposal will be the money bill. If you have to put money in the Consolidated Fund of India, if you have to take the money from Consolidated Fund of India, that will also be money bill. If you have to borrow money from other countries, or if you have to give guarantee, then also that's part of money bill because these are the areas mentioned in article 110 1 2 f abhi main dictate bhi karunga specific ek ek okay and the purpose of money bill is only one it only relates to money money bill relates only to money whether expenditure of money or income of money money bill ka ek hi purpose hai paisa lana ya paisa jana financial bill Does financial bill deal with money?
बहुत जरूरी चीज है, प्लीज बी नाउ अलर्ट. ओके, नाउ बी वेरी अलर्ट बट रिलैक्स. सुन, इस बात को समझो. एनी इश्यू विच डील्स विद एनी ऑफ दिस सिक्स प्रोविजंस विल बी कॉल्ड एज अ मनी बिल. एंड दिस बिल विल हैव प्राइमरी कंसर्न विद ओनली मनी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी और इनकम ऑफ मनी. ये बात क्लियर है? बट देन देर कैन बी सम सिचुएशन इन विच आवर प्राइम कंसर्न इज नॉट मनी, प्राइम कंसर्न इज समथिंग एल्स, बट मनी एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व. रवि जी, शादी किस लिए करते हो? द पर्पज ऑफ मनी इज टू ब्रिंग टू पीपल टूगेदर. अरे हाँ, नो क्यों? यस, मनी इज इन्वॉल्व इन मैरिज और नॉट? मनी के लिए शादी करते हो या यू मैरी फॉर मनी और वॉट? अरे बताओ, आंसर दो. नो, वेरी गुड आंसर. मैरिज इज डन, बट इज इट डन फॉर मनी? पंकज, नो, मैरिज इज नॉट डन फॉर मनी. इट इज डन टू ब्रिंग टू पीपल टूगेदर, बट एक्सपेंडिचर ऑफ मनी इज इन्वॉल्व नॉट? खर्चा तो होगा, मगर दैट इज नॉट फॉर वॉट वी डू मैरिज, दैट इज फाइनेंशियल बिल. एन एरिया ऑफ वर्क और एन ए प्रोस्पेक्टिव बिल इन विच द मेन एम, जो बेसिक पर्पज है, दैट इज नॉन मनी. हाउएवर मनी एक्सपेंडिचर विल बी इन्वॉल्व. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मिनिस्ट्री. एक नई मिनिस्ट्री खोलनी है आपको. क्रिएशन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री इज द प्राइम मोटो ऑफ अ बिल. विल वी रिक्वायर मनी और नॉट? यस, टू क्रिएट अ न्यू मिनिस्ट्री वी रिक्वायर मनी. और वो मनी कहां से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मींस ओपनिंग मिनिस्ट्री इज द प्राइम कंसर्न ऑफ दिस बिल, बट देन इट विल ऑल्सो रिक्वायर सम मनी, एंड दैट मनी विल बी कमिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड मनी टेकन फ्रॉम CFI इज मेंशन्ड वेयर? हियर. सो फाइनेंशियल बिल इज अ बिल हुज मेन मोटो इज नॉन मनी मैटर, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एनी ऑफ दीज सिक्स एरियाज. समझ रहे हो? वेयर एज मनी बिल हैज ओनली वन मीनिंग, दैट रिलेट्स टू ओनली दीज एरिया. प्राइमरी मोटो इज मनी, सेकेंडरी मोटो इज मनी. हेयर प्राइमरी मोटो इज नॉन मनी एक्शन, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग अ न्यू बॉडी. हाउएवर मनी इज इन्वॉल्व्ड, और मनी भी उस राइट डाउन फर्स्ट मनी बिल. पहले आप लिखो, मैं आपको बताता हूं उसकी बात. मनी बिल, मनी बिल इज वन. मनी बिल, एंड प्लीज कीप रीडिंग, ये बहुत क्रिटिकल है. इन लक्ष्मीकांत यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बिलीव मी. इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है उसने. मनी बिल इज वन दैट डील्स एक्सक्लूसिवली, मीन्स विद ओनली, दैट डील्स एक्सक्लूसिवली विद वन और मोर मनी मैटर्स. One or more money matters that are mentioned in money matters, वो matter पैसे वाले जो इसमें mentioned है. Money matters that are mentioned in article 110 clause 1 sub clause A to sub clause F this way. सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एफ. ओके, दीज आर आर्टिकल 110(1)(a) फर्स्ट रिलेट्स टू 110 क्लॉज वन सब क्लॉज ए रिलेट्स टू इम्पोजिशन. इम्पोजिशन मीन्स पुटिंग. इम्पोजिशन कॉमा एबॉलिशन. Imposition, abolition or regulation of taxes. अब GST should not have been a money bill. GST money bill ही तो था, because it was imposing a new tax. But why we convert it into a constitutional bill? हमने we passed GST as constitutional amendment bill or not? It should have been a money bill, because by GST you are putting a new tax. But we did not pass it as a money bill, we passed it as a constitutional amendment bill.
What was the reason? Which? अरे यार थोड़ा ताकत लगा के बोलो. हाँ रुक जाओ. हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू बी चेंज अगेन विल अगेन रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी वेर हैज टू चेंज द बिल्स विच आर पास विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल इज ईजी सो दे मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सो दैट द प्रोविजन ऑफ जीएसटी विल नाउ बी रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन और एक बार आपने संविधान में लिख दिया once you have put it in the constitution now to change it it's very very difficult so they converted GST into a constitutional bill so that the GST provisions cannot be changed easily by any new government had they passed it only as a money bill this would not have got a mention in the constitution then the new government would have easily changed it also okay likhe first imposition abolition or regulation of taxes 1b borrowing of money paisa udhar lana borrowing of money or giving any guarantee by government of india you understand what is guarantee here security हाँ बॉन्ड भी एक एग्जांपल है बट देन आई गिव अ डिफरेंट एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेट्स से अंबानी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन रशिया नाउ गवर्नमेंट में बैक द प्रोजेक्ट गवर्नमेंट में से टू रशियन गवर्नमेंट दैट ही इज डूइंग एक्सप्लोरेशन हियर इन केस ही फेल्स और ही डज समथिंग विच गोज अगेंस्ट योर इंटरेस्ट देन वी विल कंपनसेट दैट मीन्स हियर गवर्नमेंट इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट प्रोजेक्ट दैट विल ऑल्सो बी अ मनी बिल ओके borrowing of money or giving any guarantee by government of india next custody of consolidated fund is csc custody of consolidated fund of india Next, a custody of consolidated fund of India or contingency fund of India. Custody of consolidated fund or contingency fund. Means who will be the manager? If we have to change it, it will be a money bill. Next, 1D is appropriation of money. If you have to take out money from consolidated fund, it will be a money bill. 1D is appropriation of money out of consolidated fund of India. 1E. What is 1E? Receipt of money. पर खर्चा ही थोड़ी ना करना है. We are not only to do expenditure. Money is also to be brought in. But देखो, even if you are now putting back money in the fund. To take money from consolidated fund, we took permission of the parliament. Even to put money back, we will require the permission. And that permission will come through money bill mentioned under Article 110(1)(e). When you put money back to CFI, that will also be done through a proposal in the parliament, which will be voted, and that will be voted as a money bill. Okay. This is a time waste to hai likho. Receipt of money on the account of consolidated fund of India or public accounts of India. Last part is 1F. Anything, कोई भी और चीज anything which is incidental means which relates to, incidental on, anything which is incidental on above five areas means there can be a mix of two, three things together in these five areas, okay? Anything incidental on above five categories
ये है 1F, this was 1F, okay. So, whatever now you wrote from 1A to 1F, anything relates to this, primarily relates to this, only relates to this, that will be a money bill. But if there is an action which primarily deals with something else, but there is an involvement of these things, that will be a financial bill. Kaam kuch aur kar rahe ho, but then it has some relation with any of these things, will be a financial bill. The primary motto of a financial bill is non-money matter. However, these things also come into picture. The primary motto of a money bill is only and only these things. Okay, this is the difference. Haan ji sir. Yes, if required they can. Parliament magar karega kyun? Parliament is the overall approval. Approver. Next. Financial bill. Let me tell you one more thing. I mean, I prefer not to give these many details also, but then this is required. Since somebody raised this question, let me tell you one thing. Financial bill can also be of two types further. वैसे इसको बोलते हैं, this is called as category A. Apart from that, there can be other category of financial bill, उसे कह सकते हैं article 103, that is called as category B. ध्यान से सुनो. What is the prime motto of a financial bill? 117.1. Non-money matter. But it also had an element of money, which was mentioned in article 110.1A2F. Means financial bill is a combination of non-money as well as money bill. But then there can be some issue of money which may be outside this list also. But there can be some issue concern of money or area of money which is not mentioned in any of these areas. Aisa bhi to koi kharcha ho sakta hai. Let's say about Prime Minister Relief Fund, Chief Minister Relief Fund. Now that is not mentioned in this category. So that can have a relation to in a particular work. So if that is the job, that will be covered in this. समझे थोड़ा थोड़ा. डू नॉट राइट, जस्ट लिसन नाउ. लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुने सिर्फ. यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? देयर इज अ होल रेंज ऑफ एरियाज. इफ यू हैव टू मेक अ चेंज इन दीज एरियाज, सिक्स एरियाज, यू हैव टू मेक अ चेंज थ्रू अ बिल विच इज कॉल्ड एज मनी बिल. एंड हेयर द प्राइमरी कंसर्न वॉज दीज एरिया ओनली. Primary concern was expenditure or income of money. वही हमारा main concern था. Okay. But then as I told you, मैंने example दिया marriage का आपको. There can be an issue in which our main motto is not to spend money or to receive money. But that will happen. Primary motto here is non-money matter. But money involvement is there. And that involvement is mentioned in any of these categories. That may be coming, money coming from CFI, or that may be money going from CFI also. Okay. But then there can be some other issues also, which will also have non-money matter as the primary concern. For example, you are creating an organ of a body. But here, the money part which is involved is not mentioned in any of these lists. जैसे कि डू यू फाइंड अ मेंशन ऑफ रिलीफ फंड हेयर?
ये तो कहीं आपने इन्वेंशन नहीं किया ना. सपोज टुमारो वी क्रिएट अ बॉडी एंड वी राइट दैट द मनी टू दिस बॉडी विल कम थ्रू द रिलीफ फंड ऑफ पीएम और सीएम. तो इन दिस केस प्राइमरी कंसर्न वॉज टू फॉर्म अ बॉडी और मनी कहाँ से आ रहा है? रिलीफ फंड से. इज रिलीफ फंड मेंशन्ड हियर? नो. इट मीन्स द मनी पार्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ दिस एरिया. देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैटेगरी बी फाइनेंशियल बिल और इसको बोलते हैं कैटेगरी ए फाइनेंशियल बिल. कोई टेंशन की बात नहीं है. गो होम एंड सी द वीडियो अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. आई नो इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो बट देन दिस इज द आई बिलीव दैट इट कैनॉट बी इलेबोरेटेड फर्दर. हाँ बोलो सर. देखो स्पीकर अभी इसमें स्पीकर इन्वॉल्व मत करो. वो क्या करता है दैट इज नॉट हेयर इंपॉर्टेंट एट ऑल. पहले आप ये समझो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. डिफरेंस समझो पहले आप. क्योंकि देर इज नो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन गिव द आंसर. ही मे डिक्लेयर एन इश्यू विच इज मेंशन हेयर ऑल्सो एज मनी बिल. पता क्यों? बिकॉज दिस कैटेगरी एफ एफ में क्या लिखा है? और एनीथिंग विच रिलेट्स टू देम. अब वो एनीथिंग वाली बात को दे मिसयूज. ठीक है ना? दैट्स एन ओपन टू इंटरप्रिटेशन. बट देन यस इनिशियली ही विल यूज दिस यार्डस्टिक ओनली. जो यार्डस्टिक आपके लिए वही तो उसके लिए भी होगा. तो फिर स्पीकर वाली बात को अभी यहाँ लाओ मत. आप सिर्फ ये समझो ऑब्वियसली व्हेन दिस इज द डेफिनेशन ही विल यूज द डेफिनेशन ओनली. यस मनी बिल इटसेल्फ इज अ फाइनेंशियल बिल ओनली. फाइनेंशियल मतलब रिलेटिंग टू मनी. एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉ दिस बिकॉज दिस मे कन्फ्यूज सम पीपल बट फिर भी इफ शी हैज रेज द क्वेश्चन दैट दिस इज द आंसर. फाइनेंशियल बिल दो तरीके हैं. सर समझ में आ गया? वही है बट फिर भी इफ द क्वेश्चन वाज रेज आई पुट इट. मगर ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है देयर फॉर आई एंटरटेन दिस ऑल्सो. ही कैन आस्क यू. ये प्री में आ सकता है इसीलिए आई एंटरटेन द क्वेश्चन. He can ask you this thing also. Is every money bill a financial bill? Answer is yes. Because financial is a broad term. ठीक है ना? Terminology पे मत जाओ. Every financial bill is, sorry, every money bill is a financial bill. But every money bill, हाँ, हाँ सर, clear or not? That इसको छोड़ो. Difference clear or not? एवरी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं. नॉट आफ्टर दैट आई विल नॉट आस्क एनीबडी. समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी बार मनी बिल. एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल बिकॉज फाइनेंशियल बिल इज एन अम्ब्रेला टर्म. ओके एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल. ओके बट देर आर फ्यू फाइनेंशियल बिल्स विच आर नॉट कंसिडर्ड मनी बिल. ठीक है. फाइनेंशियल एक अम्ब्रेला टर्म भी है एंड इट्स अ स्पेसिफिक टर्म ऑल्सो. देयर इज अ अम्ब्रेला टर्म फाइनेंशियल बिल एज वेल एज वी स्पेसिफिकली कॉल बिल विच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल. टर्मिनोलॉजी इसलिए बताइए. ही कैन आस्क यू इन एग्जाम. लेट्स मूव फर्दर नाउ. हाँ बोलो सर. इज
फाइनेंस फाइनेंस नॉट फाइनेंशियल, वो फाइनेंस अलग है, फाइनेंशियल नहीं यार, फाइनेंस. दैट इज वाई वी कॉल इट, हाँ तभी तो वी कॉल इट एज अ मनी बिल. बजट इज अ मनी बिल और नॉट? बजट एक मनी बिल है. इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फाइनेंस बिल एंड दिस इज फाइनेंस, दिस इज नॉट फाइनेंशियल. So in this case, it is finance bill which is a money bill. Financial word hai nahi iske andar sir. Do not confuse yourself with that. Or do not write this also. I drew this for him only. Because complication unnecessary, I don't want to create further complication right now. When I take budget, I will take this in detail. Explain, okay. Financial bill under Article 117. फाइनेंशियल बिल में लिखो अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 डील्स विद नॉन मनी मैटर्स. 117 क्लॉज 1 की बात चल रही है. डील्स विद नॉन मनी मैटर्स प्राइमरीली, डील्स विद नॉन मनी मैटर्स प्राइमरीली अलॉन्ग विद secondary involvement of or incidental relation with money matters mentioned under article 110, 1A, 110, 1A to 110, 1F. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1F. इसके राइट डाउन अबाउट दिस ऑल्सो. फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3, फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3 ऑल्सो प्राइमरली मतलब मेनली ऑल्सो प्राइमरली डील्स विद अ नॉन मनी इश्यू. Non money, for example, I gave you creating a new body. Non money issue, though it may also involve money matter of areas other than the one which are specifically mentioned under article 110 clause 1 clause A to clause F. टू मतलब रेंज वाला टू है. ओके टू एफ ठीक है, जो नहीं भी ठीक है तो ठीक है बोलो और घर जाके पढ़ना. शुड आई मूव नाउ फर्दर?
And do not read Lakshmikant for this. Believe me, do not read Lakshmikant in this area. Bilkul bhi mat padhna. हाँ दैट विल बी फाइनेंशियल बिल यस 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 हाँ देखो नाउ ही इज आस्किंग इज आधार अ मनी बिल ऑनलाइन वालों के लिए है ये रिपीटेशन आधार इज अ मनी बिल डिक्लेयर्ड बाय स्पीकर मगर एज आई टोल्ड यू दैट इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल वेदर द इश्यू इन डिस्कशन इज अंडर आर्टिकल 110 और आउटसाइड इट आधार बिल को गवर्नमेंट एस सच देखा जाए तो आधार बिल शुड नॉट बी अ मनी बिल बिकॉज आधार बिल डज नॉट डील विद ओनली स्पेंडिंग ऑफ मनी स्पेंडिंग ऑफ मनी इज इंसिडेंटल और सेकेंडरी मगर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट इज अ मनी बिल एंड इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी वी आस्क गवर्नमेंट वॉट इज सो स्पेशल इन आधार बिल दैट यू डिक्लेयर इट अ मनी बिल इज इट डीलिंग विद ओनली 110 वन ए और अप टू 1F मतलब क्या ये सिर्फ इन 6 एरिया से डील कर रहा है और आर यू ब्रिंगिंग दिस बिल ओनली टू डील विद दिस 6 एरियाज जो अभी लिखे थे मैंने यहां पे इज आधार बिल डीलिंग विद ओनली दिस एरियाज गवर्नमेंट सेड नो द मेन मोट ऑफ आधार बिल इज नॉट टू डू दिस देन वी आस्क देम व्हाई देन यू डिक्लेयर इट अ मनी बिल दे सेड सर मनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI इज इन्वॉल्व देन वी अगेन क्वेश्चन देम अरे मनी एक्सपेंडिचर इज द सेकेंडरी पर्पज बट आर यू ब्रिंगिंग दिस बिल ओनली टू टेक मनी दे सेड नो They had no answer. Then they said, you question speaker. Speaker has declared it as a money bill. And then you cannot wish the question the wish of the speaker also. This is kahani khatam kar di unhone. Though you could have gone to judiciary. And judiciary could have nullified it also. But judiciary has nahi kiya. And there is no objective parameter by which you can say that this is money or not. Kyunki 1F kya likha hua hai? Anything which is incidental. Means they have kept it open. As per their convenience, they can declare a bill as a money or not bill. But then there are few areas which, if declared money bill, can be controversy. Example, Aadhaar bill. Current affairs, please be aware of current affairs. Saath saath chalate raho usko. Monthly magazine which they are giving you, please go through that again and again and again. Varna ye to relation samajh mein nahi aayega, you will not able to understand the relation. Ye chal kya raha hai, Aadhaar bill and all these things. But the limitation of time is that I cannot explain you each and every concept also here. Okay, so please read the current affairs part very, very properly. Presidential. Presidential address to parliament. Achha, isko bhi likh lo. Please write down this also before you write down this. Now I ask you this thing. If suppose A bill is there. कोई भी बिल हो सकता है पास बाय लोकसभा पास बाय राज्यसभा देन इट वेंट टू प्रेजिडेंशियल एसेंट बाय द टाइम प्रेजिडेंट एसेंट केम लोकसभा गॉट डिसॉल्व्ड लोकसभा भंग हो गई आई मीन द पीएम डाइड और ही लॉस्ट मेजोरिटी और व्हाटएवर लोकसभा डिसॉल्व्ड देन द बिल विच इज लाइंग इन द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट व्हाट डू यू फील विल दैट एंड नो दैट विल नॉट And when the new government will come, he may now again approve or send it back for reconsideration. A bill lying in the office of president will not die. Pehli cheez. Write down, isko likh lo aap. A bill. और अगर had it sent it back for reconsideration मतलब बिल went to president president sent it back for reconsideration and as he sent it back for reconsideration meanwhile लोकसभा gets dissolved now will the bill die no the bill will not die लिखो a bill passed by both the houses
अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. पहली बार पास हो चुका था ना वो. इनिशियली इट वाज पास्ड. द बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट. बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन. फॉर रिकंसिडरेशन. विच वीटो? Suspensive veto. Very good. Does not lapse. Reconsideration of the houses, comma, does not lapse with the dissolution of the house. Dissolution kaun sa house ka? Lok Sabha or Rajya Sabha? Rajya Sabha is never dissolved. Next. A bill passed by both the houses but pending assent of the president does not lapse. Means approval is yet to come, so it will not lapse. Suppose, sir, the bill was passed by Lok Sabha, bill was not passed by Rajya Sabha. Ordinary bill tha, passed by Lok Sabha, not passed by Rajya Sabha. Or it can be other way around also, answer will be same. A bill passed by Lok Sabha but not passed by Rajya Sabha or vice versa, कोई भी हो सकता है. Then deadlock हो गया. How will we break the deadlock? Joint sitting. President has declared that there should be joint sitting. But before we could have a joint sitting, Lok Sabha got dissolved. Now in this case, will the proposal also end? No. Even in this case, proposal will not end. क्योंकि देखो reason है ना. At least the parliament had once passed it. Lok Sabha ne usko pehle pass to kar diya tha, ek house ne to pass kar diya tha. Means there is some weightage in the bill. There is some seriousness in the bill. That's how it got passed, at least in one house. Okay, write down. A bill notified for joint sitting. A bill notified for joint sitting. A bill notified for joint sitting before dissolution of Lok Sabha will also not lapse. Sir, you tell me. Bill is in Rajya Sabha. It is yet to be passed. Rajya Sabha mein chal rahi hai. Voting is going on. Meanwhile, Lok Sabha is dissolved. New Lok Sabha will come. Are they required to reintroduce the bill again? No. A bill which has not even yet entered in Lok Sabha will remain intact even with the dissolution of Lok Sabha. Write down. A bill pending in Rajya Sabha. Bill pending in Rajya Sabha means it was not even transmitted. Bill pending in Rajya Sabha but not passed by Lok Sabha. Bill pending in Rajya Sabha but not passed by Lok Sabha will not lapse. Paragraph change, write down. Rest all the bills, inke alawa baki sare bill lapse ho jayenge. Rest all the bills will lapse means they require reintroduction now. Rest all the bills will lapse with the dissolution of Lok Sabha. सरकार खत्म होने के साथ ये बिल भी खत्म हो जाएंगे एक्सेप्ट इन दीज एरियाज. पॉकेट वीटो मींस, पॉकेट वीटो मींस ही हैज नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन द बिल. इस इनडेफिनिट. यस, ही कैन टेक एक्शन. ओके, बिकॉज ही विल नॉट डिक्लेयर दैट दिस इज इन माय पॉकेट. ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. But suppose in between he goes, then new president will come, then he may take further action. And the last topic of the day is presidential address. Address here means speech.
How many times president addresses the house? With every new government coming into power, president will address the parliament. And also he will address the parliament every year, the first session. In fact, budget session starts with his speech only. Hai ki nahi hai? This speech has a significance because if whatever he says is not approved by Lok Sabha, government will have to again prove its majority. Okay na? Write down. Presidential address. President addresses the houses. Both the houses. President addresses the houses of the parliament. Please read also. President addresses the houses of the parliament at the commencement, means beginning, commencement of the first session of the year. First session of the year. Ligo Pankaj, student of the year. Or also when? Arre jab nayi sarkar aayegi. And also the first session held immediately after the general elections, to Lok Sabha. It is comparable to, means it's similar to, president ki jo speech hai, it is comparable to the speech from, yes, very good, speech from the throne, means even the British monarch does the same thing. Speech from the throne given by the British monarch or the State of Union address. State of Union address. Kaun deta hai? Bahut badhiya. Delivered by American president. State of Union address delivered by American president. Means he also gives this kind of speech that for this year, this is my intention. Next. Who will preside when he will address the houses? He himself. He will be the presiding officer. Dekho, for example, I am president. This is Rajya Sabha. This is Lok Sabha. And I am giving speech that this year my government will do this, my government will do that. And in between there is some ruckus created. Some people are creating noise or somebody is tearing the paper and throwing at me. Then in that case, I will take action against them because that time I will be the presiding officer, not the speaker. Okay. But in joint session, who is the presiding officer? Lok Sabha speaker. Likhe. President himself is the presiding officer. President himself is the presiding officer at the time of this addressal. And thus, this addressal or this speech and thus deals with at the time of this address or speech and thus deals with any interruption. And deals with any interruption or disturbances accordingly. The speech is prepared by the COM. And it is nothing. Kuch nahi hai ye. It is nothing but a very good. Bahut badhiya. It is nothing but a policy statement. Policy statement of Government of India. It not only declares about what we are going to do, it will also declare what we did. Okay. It also contains a review of the activities and achievements
is also contains the review of the activities or achievements of the government in different fields, including international affairs, in the previous year. It also contains the main items. Matlab, on what areas we are going to bring law? Or main items of legislative business. It also contains the main items of legislative business. For example, this year, government wants to introduce GST. Ab GST main law hai ki nahi hai? So president in the speech will say that this year my government intends to bring GST. Theek hai na? Legislative business. which are proposed to be brought before the parliament during the sessions to be held during that year. Speech ke baad kya hoga? Both the people will go to their respective houses and then they will pass the vote of thanks. Is not passed jointly, it is passed separately. After the speech or after the address, Hanji, which are proposed to be brought before the parliament during the sessions. To be held that year. After the address, the houses meet separately. Likhein, after the address, the houses meet separately and discuss. Both the houses will do that, okay? And discuss the content of the speech. After discussion, each house adopts a motion. And what is the name of this motion? Vote of thanks. Each house adopts a motion called as vote of thanks. If vote of thanks is passed by Lok Sabha, it amounts to. Pankaj, iska matlab kya hai? Vote of thanks passed by Lok Sabha. Government rahegi bhi, and it also proves that they have faith in government. Hai na? Very good. If it is passed in Lok Sabha, it amounts to House. House means Lok Sabha. If it is passed by Lok Sabha, it amounts to the House. Expressing its confidence in the COM. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, सर आप बताओ, is the government proving its majority every year? Yes. यही, अरे बजट नहीं, यही है. बजट तो है ही है. This is also, है ना? सर देखो, सरकार आई, न्यू गवर्नमेंट केम. देखो, बजट गवर्नमेंट मे कम बट इट मे नॉट प्रेजेंट द बजट आल्सो, बट इट विल सर्टेनली गो थ्रू दिस. गवर्नमेंट केम टू पावर, व्हेन दे विल कम टू पावर द प्रेजिडेंट ऑन देयर बिहाफ ही विल गिव द स्पीच मे बी अप्रूव्ड, इट मे बी डिसअप्रूव्ड. व्हेन इट इज अप्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड दैट गवर्नमेंट इज हैविंग मेजोरिटी इन द हाउस, है ना? Or means government prove its majority. After that, it will also prove its majority when the budget will be passed. Then any other policy which will be passed, again it is proving its majority. Hai na? But at least once, through vote of thanks, government every year prove its majority. Because it can happen that new government may not be able to present the budget also. Phir se gir jaye.
Atal Bihari Vajpayee, he remained in power 13 days or not? But when he was in power, he at least got vote of thanks passed. Likhe. It is passed by Lok Sabha. If it is passed by Lok Sabha, it amounts to the House. If it is passed, if vote of thanks is passed by Lok Sabha, it amounts to the House, expressing its confidence in the COM. Lik diya. This you have already written actually. Does every year Council of Ministers, proves its majority in Lok Sabha, at least once in the form of vote of thanks to the president's address. But if the motion of vote of thanks is defeated in Lok Sabha, then the government stands censured means there is a doubt whether government is actually in popular support or not. Sarkar sawaliya ghere mein aa jayegi. Censured, government will come in the doubt. Censured, and it is now expected to prove, and now it is expected to prove its majority within a considerable time. Leader of opposition, last topic, it came in news yesterday also, so I am putting a focus on this. Leader of opposition, sir, found in Lok Sabha or Rajya Sabha or both? Both. What is the criteria to become the leader of opposition in Rajya Sabha? Sabse vridh aadmi. I'm not talking about pro tem speaker, leader of opposition. Pro tem nahi puch raha main, leader of opposition ki baat kar raha hu. What is the criteria to become leader of opposition in Lok Sabha? Dekho, leader of opposition matlab kya hota hai? There is a government whose leader is PM, but then there has to be opposition also. But then who will be the leader of opposition or who will be opposition? It depends on the seats which are obtained by the other parties other than the government. Jaise ki, suppose BJP is in power. Assume that BJP, let's say BJP got 80% of the seats. Where? In Lok Sabha. BJP got 80% of seats in Lok Sabha. Remaining kitna? 20%. Out of these 20% seats, not vote, seats, let's say 10%, oh sorry, 12 maan lo, 12% seats are going to Congress or obtained by Congress. And remaining 8% seats in Lok Sabha are shared by all the other parties. So who is the leader of the ruling party? It will be the PM. And who will be opposition? Congress. And the leader of Congress will be the leader of opposition. Okay, ye baat clear hai? Now, who will be the, means there was minimum 10% seats required to become the leader of opposition. In this Lok Sabha, no party got even 10% seats, and thus formally in this Lok Sabha, there is no leader of opposition in Lok Sabha. Yahan hai hi nahi aisa koi. Okay, write down.
लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा वन हैज टू बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी हु गॉट मिनिमम 10% सीट्स इन लोकसभा. जरूरी नहीं है दैट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ही कैन बी लीडर. ओके, मीन्स दे कैन से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज सोनिया गांधी, बट वी आर लीडर इन लोकसभा राइट नाउ इज राहुल गांधी. देन इन दिस केस ही विल बी द लू इन लोकसभा. ठीक है, नेक्स्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा. To be leader of opposition in Rajya Sabha, what is the minimum percent of seats required? 10% funda is only in Lok Sabha. In Rajya Sabha, there is no 10% thing. Any party which got the maximum seats other than the ruling party will be the opposition party. Jaise ki example do, let's say in Rajya Sabha, Congress got 88% seats. कांग्रेस को राज्यसभा में 88% सीट्स मिली. ओके, देन रिमेनिंग 12% सीट्स, आउट ऑफ दिस 12% सीट्स बीजेपी गॉट लेट से 7% सीट्स एंड द रिमेनिंग 5% सीट्स आर, आई मीन इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज. नाउ इन दिस केस बीजेपी गॉट ओनली 7% सीट्स, इट इज लेस देन 10%, बट स्टिल बीजेपी विल बी डिक्लेयर्ड एज द ऑपोजिशन पार्टी एंड द लीडर ऑफ बीजेपी विल बी द leader of opposition in Rajya Sabha, provided that fellow should also be a member of Rajya Sabha. He cannot be from Lok Sabha. Write down. To be a leader of opposition in Rajya Sabha, to be a leader of opposition in Rajya Sabha, first, one needs to be MP, member of parliament. One needs to be MP from Rajya Sabha. Second, must belong to single largest opposition party. Brackets mein likh lo, there is no condition of 10%. And third, must be recognized by chairman. Means he should be recognized by chairman that he is the leader of opposition party. As per the Act of 1977, the loo in Lok Sabha and Rajya Sabha has been given statutory status. Statutory means legal, parliamentary status hai dono ko. Earlier, Rajya Sabha loo did not have a स्टेट्यूटरी स्टेटस, बट अब दोनों के पास है. एंड ही एंजॉयज द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. ही और शी एंजॉयज द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. एंड हु गिव्स अ लीगल रिकॉग्निशन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन? कौन रिकॉग्नाइज करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर. इसको भी राइट डाउन दिस ऑल्सो. Leader of opposition enjoys legal recognition granted by the presiding officer. किसमें सर? नहीं, अपोजिशन नहीं आएगा कैबिनेट मीटिंग के अंदर. स्टेटस मतलब क्या होता है? स्टेटस मीन्स लेवल. फॉर एग्जाम्पल, इफ इज गिवन अ काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, सम पर्क्स, यू विल ऑल्सो गेट दैट. नहीं, नो, ही इज नॉट अ कैबिनेट मेंबर. स्टेटस तो सी लिसन,
You wrote that he has a status of cabinet minister. It does not mean that he became cabinet minister. Status means he only gets some perks and allowances and privileges. Is tarah se toh CAG, sorry, Attorney General, he has a status of Supreme Court judge also, agar aise dekha jaye toh. But then he is not a Supreme Court judge, no? Hai ki nahi hai? Same is this. Status does not mean he is a member of cabinet. Theek hai? This is where we end. Tomorrow we continue. Thank you.